तो भारत में शरण की आस इन हिंदुओं को है। बॉर्डर से कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन खबरों में आपको और ज्यादा आगे बढ़ के इस खबर को लेकर आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं कि कहां कहां पर कैसे हिंसा की तस्वीरें सामने आई और वहां पर कई लोगों को निशाना बनाया जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कहां पर। देखिए आपको मैप के जरिए हम बता रहे हैं, ढाका अगर बात करें यहाँ पर भी लगातार हम देख रहे हैं, ढाका के अलावा नीचे आएंगे अगर आप थोड़ा तो चटगांव से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए बांग्लादेश में कहां कहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, कुमिल्ला की बात करें यहां पर भी लगातार देखिए हिंदुओं पर अटैक हो रहा है और मंदिरों को यहां पर तोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर जो है जबरदस्त तरीके से स्थिति जो बिगड़ती हुई बांग्लादेश में भी नजर आ रही है, लगातार देखिए अत्याचार हो रहे। इसके अलावा अगर बात करें नोआखाली, यहां पर भी हिंदुओं पर अटैक किया गया, निशाना बनाया गया। ठाकुर गांव की बात करें वहां पर भी हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, बागेरहाट वहां पर भी अमूमन इस हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। तो पूरे बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे, ढाका से शुरू हुआ प्रदर्शन, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आया। खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे गाजा पर हमदर्दी और इसके अलावा बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर चुप्पी की चुप्पी साधी कांग्रेस पार्टी और INDIA गठबंधन में, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी INDIA गठबंधन। बिल्कुल, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर INDIA गठबंधन की ओर से और कांग्रेस नेताओं की तरफ से आखिर चुप्पी क्यों साधी गई है, आखिर कोई भी नेता बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं पर उस पर क्यों कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसी को लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब घमासान हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से पूरी दुनिया हिल गई है। अलग अलग देशों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन भारत के विपक्ष दलों को हिंदुओं पर अत्याचार नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या INDIA गठबंधन के नेता हो, चाहे फिर मोदी विरोधी खेमा हो, इनका मौन व्रत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। INDIA गठबंधन के साथ साथ मोदी विरोधी खेमा की आंखों पर वोट बैंक का ऐसा चश्मा लगा है कि उन्हें ना तो ये अत्याचार दिखाई दे रहा है और ना ही उनकी जुबान खुल रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वो आपके हितेशी कैसे हो सकते हैं? ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू विरोध हिंसा ने भारत के उन बुद्धिजीवियों और सेकुलर जमात के लोगों के चेहरे पर लगा नकाब भी उतार फेंका है जो दुनिया भर के मानवाधिकार के नाम पर छाती पीटते रहते हैं। जो लोग कल तक गाजा में मारे जा रहे मुस्लिम लोगों के लिए भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे थे, वही लोग हमारे ठीक पड़ोस में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। गाजा लवर्स गैंग के इस रवैये से साधु संतों में भी भारी नाराजगी है कि भाई गलत को गलत कहने वाला भी तो होना चाहिए। अपने अपने लोग जब कष्ट पाते हैं तब लोग बोलते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को, ऐसे हमारे देश में भी हर एक व्यक्ति को सही सही, गलत गलत, न्याय 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 से कहने वाले व्यक्ति चाहिए। 500 आतंकवादी जेल से निकाले गए हैं खालिदा जिया के साथ और वो हिंदुओं को मार रहे हैं, वहाँ के मंदिरों को मिटा रहे हैं। वो आज उल्टे बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हम भारत में लाएंगे। आपने सुना होगा ऐसे नेताओं को देश विरोधी माना जाए और इनको तो जेल में डालना चाहिए। हाँ तो उनका विवेक जाने, उनका विवेक नहीं जग रहा है तो क्या किया जाए? वोट बैंक खो न जाए बस। तो वोट बैंक के कारण मानवता नहीं दिख रही महाराज जी? नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। अंधे हो चुके हैं ये लोग पूरी। अगर ऐसा ना हो तब बोलते नहीं, कुछ तो कहते, निंदा करते, अनुचित है, नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तालिबानी एक्शन को दर्शाती हैं। बावजूद इसके गाजा लवर्स गैंग की चुप्पी पर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार की अनदेखी कर रही है? क्या कांग्रेस समेत INDIA को डर है कि बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाने से उनका वोट बैंक खिसक सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो
तो रिपोर्ट आपने देखी, दिखाया किस तरीके से हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार का सिलसिला जो है अभी भी थमा नहीं है। लेकिन अभी भी कांग्रेस की तरफ से या फिर विपक्षी दल जो है इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए। लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर कितनी घटनाएं जो है सामने आई है बांग्लादेश में। देखिये 52 जिलों में हमले हुए हैं हिंदुओं पर। इसके अलावा हिंसा की जो करीब है 205 घटनाएं सामने आई है। देखिए मंदिरों को निशाना बनाया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, हिंसा की करीब 205 घटनाएं सामने आई, घरों मंदिरों को निशाना बनाया गया, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। इसके अलावा दुकानों में जो सामान है उसकी भी लूट वहां पर की गई है। बिल्कुल लगातार देखिए सिंह राहुल आनंद का भी घर जो है फूंक दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से वहां से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, लोग जो है परेशान है और इसका असर जो है पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि लोग जो है अब तमाम जगहों पर, ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका की बात करें, वहां पर भी सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल बांग्लादेश की बात क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं और बांग्लादेश में हिंसा खत्म होने का इंतजार इस वक्त सभी को है। सभी लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर हिंसा जो चल रही है उसको खत्म किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ, वहां पर जो पीएम है यूनुस, उन्होंने शपथ ली, लेकिन अभी वो भी स्थिति को काबू करने में इस वक्त नाकाम साबित हो रहे हैं। बिल्कुल इसी बीच आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है उस पर काबू सिर्फ शेख हसीना ही पा सकती हैं। यही नहीं, सजीव वाजिद ने यहां तक कह दिया है कि अगर आज भी बांग्लादेश में चुनाव होते हैं तो शेख हसीना वो वापस लौट आएंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई, लेकिन वहां हालात अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। पूरे देश में अराजकता का माहौल है और वहां टारगेट पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। उपद्रवी वहां खुलेआम हिंदू का नरसंहार कर रहे हैं और सत्ता में आई मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार सच्चाई से मुंह फेरे हुए है। बांग्लादेश में लगातार आ रही हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर अब पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने एक बड़ा बयान दिया। सजीव वाजिद ने शेख हसीना को दोबारा बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री करने की ओर इशारा किया। सजीव वाजिद ने कहा कि उनकी मां बांग्लादेश वापस लौटेंगी। My family, none of us had ever had a sort of a greed for power or politics. But we want to work for our country. We cannot sit and watch this happen to our country. सजीव वाजिद ने शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की बात तो कह दी, मगर वो फिर वहां चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ जारी हिंसा से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए ये जरूर इशारा कर दिया कि वो बहुत जल्द बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। The minorities are trying to flee the country. I am worried about them. I, from the Awami League, I want to do what I can to keep the minorities safe, to restore law and order to Bangladesh, to bring back democracy. That is our goal. Right now the situation is very bad. There is no law and order. Minorities are being attacked. आपको बता दें, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा भी कर लिया है। अंतरिम सरकार का शीर्ष नेतृत्व संभाल रहे मोहम्मद यूनुस ने जहां अपने पास 27 मंत्रालय रखा है, तो वहीं बांग्लादेश में छात्र आंदोलन से जुड़े दो छात्र नेता को भी सत्ता में जगह दी गई है। लेकिन अंतरिम सरकार के सत्ता संभालने के बावजूद वहां के हालात में कोई परिवर्तन आता नहीं दिख रहा है। वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर बीएनपी और जमात ए इस्लामी के कट्टरपंथियों के हमले के बाद वहां के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में पैदा हुए इस हालात को लेकर भी पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने और बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के घर को जलाने की धमकी दी। उन्होंने अदालत से इस्तीफे की मांग की और उन्होंने नियुक्त किए जाने वाले लोगों के नामों की लिस्ट दी, जिसे अंतरिम सरकार ने मान लिया और प्रदर्शनकारियों के नामित न्यायाधीशों को नियुक्त कर दिया। किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय को बिना किसी उचित प्रक्रिया के, बिना निर्वाचित संसद के कैसे बदला जा सकता है? ये सुधार नहीं, ये भीड़ तंत्र है। बांग्लादेश में कानून का कोई राज नहीं है। इस पोस्ट में सजीव वाजिद ने वहां स्वतंत्र तौर पर काम कर रहे 41 पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी आगाह किया। सजीव वाजिद ने कहा कि ये सब वहां एक साजिश के तहत हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक गहरी साजिश है। Where did these weapons come into Bangladesh from? How did the students get weapons? So these weren't students. This was a mob, this was a militancy that was instigated.
to try to overthrow a democratically elected government. Hundreds, if not thousands of them would have been killed. It would have been a massacre. And my mother did not want a massacre. That is why she left. जाहिर तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है मौजूदा स्थिति में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि वहां अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है, जिसका असर सबसे ज्यादा वहां के अल्पसंख्यक आबादी को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सजीव वाजिद का ये दावा भी सही लगता है जो उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर किया है। हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, देयर हैज बीन वन गवर्नमेंट एंड वन गवर्नमेंट ओनली दैट हैज प्रूवन इटसेल्फ टू कीप द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश सेफ एंड कीप बांग्लादेश सेफ फ्रॉम ऑल मिलिटेंसी एंड वायलेंस। दैट वाज शेख हसीना, दैट वाज द अवामी लीग। This is proven record in history. No one can argue that. बहरहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुनाव का ऐलान कब करेगी बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि मौजूदा हालात पर सजीव वाजिद दावे कुछ भी करे, लेकिन इस वक्त वहां की पपेट सरकार जिस तरह से आंदोलनकारी छात्रों के साथ मिलकर सत्ता का बंटवारा कर रही है, उसे देखते हुए वहां के लोकतंत्र के लिए आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, सजीव वाजिद जो बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आखिर बांग्लादेश में क्या स्थिति बनी हुई है वो आपको ग्राफ